हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनाल फैशन गाइड। सो गाइज, अगर आप हल्दी सेरेमनी के लिए आउटफिट ढूंढ रहे हो जो 2024 में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ट्रेंड्स में चल रहे हैं, सो गाइज ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। चाहे आपकी शादी हो या आपके फ्रेंड्स की शादी हो या आपकी किसी भी रिलेटिव्स की शादी है, आप उसकी हल्दी सेरेमनी को अटेंड कर रहे हो तो आप ये सारे ड्रेसेस को वेयर कर सकते हो। ये इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। ये ड्रेस जो है वो थोड़े धोती पैटर्न में होते हैं एंड इसके साथ साथ श्रग्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एडोरेबल लगता है, आप काफ़ी ज़्यादा यू नो स्मार्ट लगोगे इस सारे ड्रेसेस में। एंड सेकेंड आउटफिट के बारे में मैं बात करूँगी, विच इज़ क्रॉप टॉप विथ प्लाजो एंड ऑल्सो श्रग्स। ये भी लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल, आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है इस तरीके का ड्रेसेस, स्पेशली फॉर हल्दी सेरेमनी। सो आप हल्दी सेरेमनी के लिए ये ड्रेसेस ले सकते हो। बिकॉज मैंने येलो ड्रेसेस चूज़ की है क्योंकि हल्दी सेरेमनी के लिए मैं यहाँ पर टॉपिक चूज़ की है। सो आप यहाँ पर दूसरे कलर की भी ड्रेसेस को ले सकते हो, बट आप किसी अदर फंक्शन के लिए भी ले सकते हो। बट हल्दी सेरेमनी के लिए आप लेना चाहते हो तो आप क्रॉप टॉप विद प्लाजो या धोती स्टाइल वाले जो इंडो वेस्टर्न आउटफिट होते हैं वो सारे ड्रेसेस ले सकते हैं। अब बात यहाँ पे आता है गाइस कि आप इस तरीके के ड्रेसेस को कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत इजीली देख लेते हैं कि बहुत सारी लड़कियों ने पहना है, काफ़ी सारी लड़कियाँ इसे पहनना भी चाहती हैं, बट वो इजीली फाइंड नहीं कर पाते कि ये सारे ड्रेसेस मिलेंगे कहाँ। सो अगर आपको भी बाय करना है तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, और अगर आपको बाय करनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जी हाँ मुझे ख़रीदनी है, इसका प्राइस कितना है, कहाँ से मैं ले सकती हूँ, तो मैं आपको कमेंट करके फिर वो साइट्स बता दूँगी जहाँ से आप ख़रीद सकते हो। वैसे तो ये सारे ड्रेसेस आपको अमेज़ॉन या इंस्टाग्राम के कुछ यू नो अकाउंट्स पे मिल सकते हैं।